इस चटनी का एक चम्मच डेली खाने से हमारी स्किन एलर्जी खत्म हो सकती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमें चाहिए 1 किलो फ्रेश इमली, हमने पुरानी इमली बिल्कुल यूज नहीं करनी। एक स्टील के पतीले में इमली को 7-8 घंटे के लिए भिगो देना है और पानी इतना डालना है कि हमारी इमली पूरे तरीके से उसमें डूब जाए। 7-8 घंटे के बाद देखिए इमली कितनी नरम हो गई है। अब अपने हाथों से मलमल कर हम इसका फाइबर गुद्दा निकाल लेंगे। ये इतनी नरम हो गई है कि बड़ी आसानी से इसका फोक अलग हो रहा है। हाथों से मसल कर इमली का हम गुद्दा निकाल लेंगे और फोक एक अलग बर्तन में रखेंगे। अगर इमली की प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। इसमें विटामिन्स की भरमार है। इसमें ABCD विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसमें आयरन, पोटाशियम और भरपूर फाइबर है। इमली में इतने औषधीय गुण हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती है। इसके पोषक तत्व हमारे डाइजेशन को ठीक रखते हैं, हमारे भूख को बढ़ाते हैं, BP शुगर को कंट्रोल करते हैं। अब वापस आते हैं अपनी चटनी की ओर। अब हमारे पास एक गाढ़ा घोल तैयार है। अब लीजिए एक कढ़ाई और एक छन्नी बड़ी। अगर आपके पास बड़ी छन्नी नहीं है, आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। हम उसमें अपना ये घोल छान लेंगे। अभी तक तो आप इमली को मुंह के स्वाद के लिए खाते थे, लेकिन अब आप इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को जान चुके हैं, तो एज ए मेडिसिन यूज़ कीजिए, लेकिन एक लिमिट में, ज़्यादा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। इमली का फोक भी आप फेंके नहीं, पीतल और तांबे के बर्तनों पर लगा कर रख दें। कुछ देर बाद उनको वॉश करें, वो एकदम नए चमाचम हो जाएंगे। गैस चलाकर कढ़ाई रख दीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इमली के जो रस है इसको पकाना है। एक कड़छी या पलटे से आप हिलाते रहिए। इमली के बीज भी बड़े काम की चीज़ है। अगर इसका पाउडर बना के रखें, जैसे आजकल गर्मी में ततैया भ्रेंड बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो काट ले वहाँ पे ये पाउडर लगा दो, तो वहाँ से उसका दर्द और जहर कम हो जाएगा। और साथ में हम साइड बाय दूसरी तैयारी भी शुरू कर लेते हैं। तवे पर 4 टीस्पून जीरा डालकर उसको धीरे धीरे भून लीजिए। जीरा हमारी चटनी के टेस्ट को तो दुगना करेगा ही, साथ ही ये हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग रखता है। जब जीरा ब्राउन हो जाए तो समझिए ये भून चुका है। अब इसको ठंडा करके हम पीसेंगे। अब मैं ले रही हूँ 600 ग्राम गुड़। एक कॉटन क्लॉथ पे डालकर एक बेलन से कूट कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. इमली को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इमली का गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इमली पक चुकी है। अब हम इसमें जो गुड़ हमने अभी छोटे पीसों में बनाया है वो मिला देंगे। गुड़ को हमने 3-4 मिनट के लिए ही पकाना है। एक प्लेट पे मैंने मगज़ 50 ग्राम लिए हैं, किशमिश ली है 50 ग्राम, भुना जीरा मैंने 4 टीस्पून लिया है और सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या 3 चम्मच डाल दीजिए और 1/2 चम्मच मैंने डाली है काली मिर्च। ये सारे मसाले चटनी में मिला दीजिए।
मसाले मिलाकर आप गैस बंद कर दीजिए। चटपटी जायकेदार स्वास्थ्यवर्धक चटनी तैयार है। आप स्वाद स्वाद में ये चटनी ज़्यादा ना खाएं, लिमिट में ही खाएं, यानी एक टीस्पून, वरना फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.